हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको 32 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे। तो बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे नाप लें, कैसे कटिंग करें। तो आप इस वीडियो को देख के आसानी से सीख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई लेंगे हम, जैसे लंबाई है 13 इंच ब्लाउज की, रेडी लेंथ है 13 इंच। तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ऐसे और हम जैसे 32 चेस्ट है तो 32 चेस्ट का 1/4 लेंगे हम, 8 इंच। तो 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे प्लस उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो ये 9.5 हो गया। तो इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है हमारे 5.5 इंच, 32 चेस्ट है तो शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, 6 इंच। तो 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे सीधा मिला देंगे ऐसे। तो जैसे 32 चेस्ट है तो यहाँ से हम 32 चेस्ट का 1/4 लेंगे तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे ऐसे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच पर लगाएंगे और फ्रंट आर्मोर की गोलाई हम 1 इंच पर लगाएंगे ऐसे और गोल शेप दे देंगे। ऐसे और एक यहाँ से फ्रंट साइड की गोलाई देंगे ऐसे। इस तरह से अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और गले की लंबाई 5.5 इंच है तो हम 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे। तो इस लाइन को ऐसे सीधा ड्रा करेंगे, सीधा मिला देंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे
ऐसे। अब यहाँ से आधे इंच का, आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे, तो इसको ऐसे सीधा कर देंगे और एक गोल शेप दे देंगे गले का। ऐसे। अब जो शोल्डर है हमारा, यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो एक सेंटर पे ऐसे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे एक नीचे के साइड एक निशान लगा देंगे। और इस निशान से हम ऊपर के साइड 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे ऐसे। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इधर से भी हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे। और जो हमने 4.5 इंच लिया है, यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे इस तरह से। और जो आर्म होल है, यहाँ से हम इसको गोल शेप दे देंगे, बीच सेंटर में इसको गोल शेप दे देंगे हम यहाँ से ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। आगे और पीछे दोनों का एक कटिंग कर देंगे गले की। तो अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से अब जो फ्रंट आर्म होल है, हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। अब हम ये जो 1.25 इंच लिया है, यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ से भी कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट साइड हो गया है और ये बैक साइड है। ये जो बैक साइड का गला है, इसको आप बढ़ा के ले सकते हैं
जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा के ले सकते हैं, और गोल गला जैसे भी आपको गला चाहिए वैसे बढ़ा के ले सकते हैं। ये हमारा बैक साइड हो गया और ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। जैसे स्लीव 5 इंच है तो हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेंगे फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए। इसको हम सीधा कर देंगे ऐसे, और इस लाइन को भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब जैसे आर्म होल लिया है हमने 6 इंच, तो 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसमें हम 2 या फिर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा कम पड़ती है कटिंग, ये जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा स्लीव में कम पड़ता है स्लीव, तो उसको बढ़ा के ले सकते हैं, तो 3 इंच ले सकते हैं। और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ से कैप हाइट लेंगे हम 3 इंच, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे, इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ से भी 1 इंच लेंगे, और इसको गोल शेप दे देंगे। ऐसे, और यहाँ से हम 1/2 इंच 1 इंच ऐसे गोल शेप देंगे। तो जैसे ब्लाउज की गोलाई है 6 इंच, बॉटम में 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से इसको मिला देंगे तिरछा, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रंट की गोलाई की। तो ये स्लीव की कटिंग हो गई है। इस तरह से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। ये बैक है और ये फ्रंट साइड है। और ये स्लीव है। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं आसानी से।
तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।